अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू KookingK.com। आज हम बना रहे हैं अनियन पाउडर। तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अनियन पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो अदद बड़े रेड अनियन को बारीक स्लाइस कर लिया है। आप चाहें तो इसे चॉपर में डालकर चॉप भी कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर इसे एकदम बारीक स्लाइस किया है। मैं यहाँ पर रेड अनियंस का पाउडर बना रही हूँ, आप चाहें तो वाइट अनियंस का भी पाउडर बना सकते हैं। अनियन पाउडर बहुत सारी डिशेस में यूज़ होता है, तो आप इस अनियन पाउडर को बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इजीली 1 से 2 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। बस आपने इसे नमी से बचा कर रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अदद अवन ट्रे पर बेकिंग पेपर लगा कर प्याज को हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अवन को मैंने 160 डिग्री पर गर्म कर लिया था। अब हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए एकदम लो हीट पर अवन में बेक करेंगे। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और प्याज हमारे अच्छे से खुश्क हो चुके हैं, इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, एकदम क्रंची हो गए हैं। अब हम इन्हें ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ब्लेंडर में डालकर अच्छे से इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसे एयर टाइट बॉक्स में डालकर रखेंगे, क्योंकि नमी से वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।